I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने वाली श्रुति चौधरी ने 11वें नंबर पर शपथ ली। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अटेली से विधायक बनी आरती राव ने 12वें नंबर पर शपथ ली। नायब सिंह सैनी सरकार में ये दो महिला मंत्री हैं। दोनों का कनेक्शन परिवारवादी पॉलिटिक्स से है। ये यूं कहें कि परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाने वाले इन दो चेहरों को सरकार में शामिल किया गया। पहले बात श्रुति की करते हैं, जो राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। चुनाव से पहले किरण चौधरी बेटी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। श्रुति जाट समाज से आती है, पहले सांसद रह चुकी है। हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली और उसका श्रेय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी टीम को जा रहा है। यही वजह कि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर नायब सिंह सैनी ने पहली बार विधायक बनी आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।